तो हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज मैं एक बाय करने जा रहा हूँ, एक ऑफ वो सॉरी ऑफ रोडिंग नहीं, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। तो मैं बताता हूँ मैं क्यों ख़रीद रहा हूँ, उसके पीछे एक लंबी कहानी है, तो मैं शॉर्ट पर सुनाता हूँ। तो कहानी ये है कि ये जो मेरी कार है, ये मतलब मारुति जिप्सी, इसकी हाल इसके जो ब्रेक्स हैं वो ढंग से नहीं दबते, ढंग से क्यों नहीं दबते हैं बताता हूँ। क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं ना, उन लोगों ने मेरे से इस कार को मांगते मांगते, इसके जब ना गाड़ी के ब्रेक दबाते जा रहे हैं, जब भी चलाते हैं तो इतना दबाते हैं ना कि इसके ब्रेक लूज हो गए। मतलब मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये ढंग से दब रहे हैं। तो जो मैं नई न्यू कार बाय करने जा रहा हूँ, वो कार तो मैं किसी को भी नहीं देने वाला, चाहे वो कोई भी हो। मैं बस अपने फ्रेंड्स को नहीं देने वाला। अरे चचा देख ध्यान से, तो मैं को यहाँ पे पार्क करनी पड़ेगी, बिकॉज उस जगह पर कार पार्किंग नहीं है। मतलब उस जगह पर बस कार शोरूम से निकली हुई गाड़ियाँ ही पार्क होंगी। मतलब जिस जो भी कार खरीदने चाह रहा है वही कार सिर्फ वहीं पर ही पार्क होंगी। लेकिन तो मैंने वाइट कलर की कार पसंद की है, क्योंकि अगर वाइट कलर की टोयोटा क्रिस्टा हुई, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कह रहा हूँ मैं, तो मज़ा ही आ जाएगा एकदम। तो चलो, तो मैं आपसे मिलता हूँ वहाँ पहुँचते वक्त, वहाँ पे पहुँच कर, क्योंकि वहाँ पे वो देखिए वहाँ पे थोड़ा आगे ही है, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो गाइस मैं पहुंच तो चुका हूँ, और हमारी कार यहीं से ही झांक रही है हम लोगों को, नई न्यू कार। तो जल्दी से इसकी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और इस कार की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। तो मैं स्लोली स्लोली चलाऊंगा, बिकॉज दिस इज़ माई न्यू कार। तो चलते हैं थोड़ा आगे, अगर बारिश रुके तो मैं आपको इसके इंडिकेटर्स, लाइट्स वगैरह वगैरह दिखाऊं। अरे भाई साइड दे दे मेरे को। हाँ दिया ना, अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा आगे जाने वाला था, बट मैं थोड़ा आगे और आ गया। वाह वाह वाह, आगे जो बिल्डिंग आ रही मैं वहीं पर ही रोक दूंगा। ओके गाइस, तो यहीं पर ही रोक देता हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, अगर बारिश हो रही है तो होने दो, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा वैसे ही। तो मैं लाइट्स वाइट्स सब ऑन है मेरी। हाँ तो बाहर से गाड़ी कुछ ऐसी ही अपनी। ओ भाई साहब, गाइस आपने ये देखा, मतलब जब पार्किंग लाइट जलेंगी और वैसे वाले सिंपल इंडिकेटर्स जलेंगे, तो इनके साथ ये लाइट्स भी जलेंगी। इस गाड़ी में इन लोगों ने बढ़िया दिया है, क्योंकि जो ओल्ड ओल्ड टोयोटा इनोवा क्रिस्टा है ना, उसमें ये फंक्शन नहीं था, मतलब फीचर नहीं था ये वाला, और इस न्यू टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में है सब कुछ, और इसके ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं अपना आगे ही, और इस कार में वही फीचर्स हैं जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और एक कार बहुत अच्छा भागती है, मतलब स्मूथ स्मूथली मक्खन की तरह चल रही है गाड़ी। इसके ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ये है टोयोटा शोरूम, इसकी नंबर प्लेट में जो नंबर लिखवाऊंगा वो भी अलग डिज़ाइन का लिखवाऊंगा। चलो कार बंद कर दी मैंने, तो इसके इसकी क्या बोलना है मेरे को, हाँ इसकी पेमेंट करने चलते हैं हम लोग। तो गाइस हम लोगों ने पेमेंट तो कर ली है, तो कॉन्ग्रेट्स फॉर मी, बिकॉज मैंने ये कार ले ली। तो मैं इस कार से कहीं ना कहीं घूमने जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ, मतलब उनको कार नहीं दूंगा लेकिन घुमा तो सकता हूँ ना। तो मैं अपना चलता हूँ अपने होटल में, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आई होप ये बंद ना हो जाए, पता चला बंद हो गया।
ये बंदा ना साइड नहीं दे रहा है मेरे को। अरे यार शिट, लेकिन इस कार को कुछ हुआ नहीं होगा, कोई बात नहीं, थक गई तो थक गई यहाँ से। लेकिन ठुकी नहीं थी ये, बस वाले ने जैसे मोड़ी ना वैसे ही ठुकी है ये, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं होगा इस कार को, मुझे लग रहा है नहीं हुआ है कुछ। हाँ इन्होंने उन्होंने बोला था कि अगर ये पहली बार ठुकती है कार तो इस कार को कुछ नहीं होता, तो सही है अपने लिए, तो नहीं ठुकी है गाइस, तो अपना होटल आ चुका है। ये ट्रक दोबारा से यहीं पर ही खड़ा हुआ है, तो मैं कल अपने घर चले जाऊंगा, तो चलो गाइस अपनी न्यू कार इज रेडी। अच्छा तो इसका नाम इनोवा वेंटरर है, मतलब टोयोटा इनोवा वेंटरर। पुरानी वाली का नाम टोयोटा इनोवा क्रिस्टा था, इसका नाम टोयोटा इनोवा वेंटरर है, नाम से जच रही है, लेकिन मैं इसको टोयोटा क्रिस्टा ही मतलब टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ही बुलाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, स्टे होम स्टे सेफ।